हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और आप सबके लिए फिर से एक सीएमए सक्सेस स्टोरी है। मैं सीएमए रोहन शर्मा, आपका होस्ट, आपका मेंटोर, और मेरे साथ है अंकिता यादव। अंकिता ने रिसेंटली सीएमए क्वालिफाई किया है और इनका सीएमए कैंपस प्लेसमेंट में एसेंचर में इनको फर्स्ट जॉब मिली है। अंकिता बेसिकली भिलाई छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है एंड सी इज फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। जब इन्होंने सीएमए कोर्स ज्वाइन किया था, इन्होंने बीएससी कंप्लीट किया था एंड आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी फ्रॉम कंप्यूटर साइंस सी ज्वाइन सीएमए। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड सी टुक सम ऑफ द अटेम्प्ट्स टू कंप्लीट सीएमए। तो अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अटेम्प्ट्स लगने के बाद कैंपस नहीं होगा, तो सुनते हैं अंकिता की स्टोरी, उनको कैसे कैंपस में जॉब मिली। हाय अंकिता, कैसे हो आप? हेलो सर, मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ एंड थैंक्स कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आए और अपनी जर्नी आप शेयर कर रहे हो मेरे साथ और इन स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू सर कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म में बुलाया। तो अंकिता, हम बात करते हैं, आपको कैंपस से ऑफर मिला है, तो कैसा फील कर रहे हो आप आफ्टर गेटिंग ऑफर? एंड अभी तो आपने एसेंचर ज्वाइन भी कर लिया है, आपने ऑलरेडी अपनी जॉब स्टार्ट कर दी है, तो आपके लाइफ की फर्स्ट जॉब है, कैसे फील कर रहे हो आप? यस सर, ये मेरे लाइफ की फर्स्ट जॉब है और मेरा जॉब स्टार्ट भी हो गया है। एक्चुअली बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है क्योंकि लास्ट डे में आपका सडनली शॉर्टलिस्टिंग हो करके एक्सेप्टेंस हो जाना फ्रॉम कंपनी साइड, इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग टू अस। क्योंकि सब कैंपस में आते हैं यही सोच के आते हैं कि मुझे कैंपस में प्लेस होके जाना है। ऑफ कैंपस भी होता है सीएमएस का, सीएमए खाली तो बैठते नहीं है, बट कैंपस में होने की खुशी अलग होती है। तो आपका बीच में एक्सीडेंट भी हुआ था एंड फिर भी आप प्रिपरेशन कर रहे थे अपने कैंपस के लिए, आपने मुझे बताया था, और फिर जब आपका एसेंचर में हुआ तो एक अलग बात होती है। अच्छा, आपको ड्यूरिंग दी सेशंस, जो हमने सेशंस किए थे इंटरव्यू के लिए हमने प्रिपेयर किया था, तो आपको मेरे मेंटरशिप आपको कैसा लगा आपके कैंपस के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर, आपका मेंटरशिप ऐसा रहा कि जितने भी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का उसमें आपने सारा एलिमेंट डाला हुआ है, उसकी वजह से हमारे जो बेसिक डाउट्स है या फिर हमें कैंपस में कैसे प्रिपेयर होना है, कितना बात करना है, क्या बोलना है, क्या पहनना, आपने एवरीथिंग अच्छे से लोड किया हुआ था और उसी के बेसिस में ही मैंने अपने टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड, एसेंचर वाले निकाले थे। इवन मेरे नाफेड में भी पीआई तक पहुंचने का यही मींस गुड लक था कि आपका मेंटरशिप मैंने लिया हुआ था। आप नाफेड के बारे में आप बता रहे थे कि वहाँ पे 3 बच्चे शॉर्टलिस्टेड हुए फाइनल, उसमें आप भी थी और 2 और भी बिल्कुल, लड़कियां थी। और वो तीनों स्टूडेंट्स आपके ही थे, और मतलब हम तीनों ही आपके स्टूडेंट्स थे, बट लास्ट में ये हो गया कि मेरे से उन्होंने वेरिएशन इन स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन कर दिया पीआई में, तो उसका मैं प्रॉपरली आंसर दे नहीं पाई कि मेरे वेरिएशंस क्यों हैं स्टडी में, जस्ट बिकॉज मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड की हूँ और सीएमए कंप्लीट की हूँ। तो उन्हें थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज टाइप का था, बट फाइनली एसेंचर में मैं वो आंसर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कोट कर करके लेते गई हैं। थी, और मैंने आपसे पूछा भी था कि सर मैं इससे रिलेटेड क्या आंसर दूँ। आपने भी मुझे इसमें गाइडलाइन किया था कि जो रियलिटी है और जैसे जैसा आपका प्रोसेस रहा आप वैसा क्लियर कट कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, तो मैं बस वही करी और फिर मेरा क्लियर हो गया। ग्रेट। जब आपने अपने फैमिली को बताया, अपने मम्मी पापा पेरेंट्स को जब आपने बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया है कैंपस में और आप एसेंचर में मुंबई में अब आप जॉब करने वाली हो, तो उनका रिएक्शन कैसा था आपके लिए? हाँ, मेरी मम्मी बहुत खुश थी, घर पे सभी लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे, क्योंकि उन्हें लगा नहीं था बिकॉज मेरे बहुत अटेम्प्ट्स, और सब जानते कि अटेम्प्ट्स होने के बाद में थोड़ा जॉब लगना कैंपस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देन ऑल्सो मैं मुंबई तक आई और फिर लास्ट डे में ही एट लास्ट मैं अपने होटल भी वापस आ गई थी, मुझे लगा नहीं था होगा। लेकिन जब चैप्टर से कॉल आया कि आपका एसेंचर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में सिलेक्शन हो गया है, तब मैं घर पे बताई कि चलो फाइनली हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। अच्छा, आपके जब अटेम्प्ट्स ऑलरेडी लग गए थे तो कहीं ना कहीं माइंड में एक थॉट प्रोसेस चलता है कि यार मेरे कैंपस में चांसेस बहुत रेयर है, नहीं होने के चांसेस ही लोग ज़्यादा सोचते हैं, फिर भी आपने मेरे मेंटरशिप को भी ज्वाइन किया और आपने कैंपस के लिए प्रिपेयर किया, तो आपने ऐसा क्यों किया? सर, जब मैं लास्ट अटेम्प्ट दे रही थी तब से ही मेरे को, मैंने आपका क्लास देख रखा था यूट्यूब में, और तभी से मैं ये सोची थी कि आप
आपका मेंटरशिप तो प्रॉपरली मुझे लेना है और कंप्लीट करना है। और आपका मेंटरशिप लेने के बाद में आप जितना 1-to-1 कनेक्ट करते हैं, जितना मोटिवेट करते हैं, उस बेसिस में ही आप लास्ट तक चलने के लिए हेल्प कर सकते हैं कि नहीं ये चीज हो जाएगा। इट डिपेंड ये नहीं करता कि आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं, डिपेंड ये करता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका क्लैरिटी इन टुवर्ड्स वॉट एवर क्वेश्चन दे वर आस्क्ड, ये सारे में कितना है। ये सब चीजों के बेसिस में आपको, आप जैसे आंसर प्रिपेयर करते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, तो बस उसी से ही होता है सिलेक्शन। ये मैं लास्ट डे में जान ली। ओके ग्रेट. नहीं वही होता ही है जो आप बोल रहे हो. अच्छा जब आपका रिजल्ट आया, जिस दिन आपका रिजल्ट आया था, जब आपने वो कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड देखे बहुत बड़े बड़े लेटर्स में, तो वो फीलिंग कैसी थी आपके लिए? आप कैसा फील कर रहे थे उस मोमेंट को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को बिल्कुल डर लग रहा था क्योंकि वो हमारा लास्ट अटेम्प्ट था। अगर उस वक्त मैं फेल होती तो फिर मेरे लिए सारे, मतलब वापस से न्यू सिलेबस था, सारी चीजें वापस से पढ़ो, वो एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता। तो मेरे पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं खुद से अपना एंड मतलब रिजल्ट चेक कर सकूं। मैंने अपने फ्रेंड को बोला और फिर वो चेक करके जब मुझे आंसर मतलब मेरा रिजल्ट बताया, तो फिर मैं, मेरे अंदर फिर आया कि ठीक है मुझे खुद देखना, और जब मैं देखी तो क्लियर था। वो तसल्ली वाला फीलिंग था बस, ये क्लियर हो गया। ओके ग्रेट. तो अच्छा, कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत रिवाइंड होती है लाइफ में कि यार मैंने सी एम ए ज्वाइन किया था, इतने सारे मेरे अटेम्प्ट्स लगे और आज मैं सी एम ए बन चुकी हूँ फाइनली. तो कुछ ऐसा हो रहा था आपके साथ भी उस दिन? वो सारी लाइफ हाँ की ये जर्नी बहुत स्टार्ट आ रही थी, याद आ रही थी, बिल्कुल सॉरी. पूरा फायर की तरह ध्यान पे आता है कि हाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ऐसा ऐसा हुआ। मेरे को, मेरी टोटल जर्नी सीएमए में 5 इयर्स की रही है। मैं 2018 में इसमें एंटर करी थी, 2018 दिसंबर टू 2023 दिसंबर, ये था मेरा जर्नी। और कई बार फेल हुए हैं, फिर कई बार वापस आए हैं। सीएमए का जस्ट दूसरा नाम होना चाहिए पेशेंस। अगर आपके में पेशेंस है तो आप सीएमए क्लियर कर लेंगे, सिंपल सा इसका रोल है। अच्छा, आपने कभी मेरी वीडियोज पहले भी देखी थी लाइक सीएमए कोर्स के ड्यूरेशन में? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं पहले भी आपकी वीडियोस देखी थी, और जब मैं अपने फाइनल अटेम्प्ट्स में थी तभी से मैं आपके साथ में कांटेक्ट में आ चुकी थी कि सर मेरा ये फाइनल अटेम्प्ट है, ऐसा है, ऐसा है। तब आप भी अपने बारे में बताते थे कि मैंने भी बहुत अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं, मेरे भी अटेम्प्ट्स लगे हैं, लेकिन देखो एक टाइम चेंज होता है, फेस चेंज होते हैं, आपको सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। तो वो सारी चीजें बहुत हेल्प करती है, आपको मोटिवेट करती है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट भी करेंगे सीएमए से रिलेटेड, नहीं क्लियर होने से रिलेटेड। आपको उनका नहीं सुनना है, उनका सुनना है जिनके सुनने से पॉजिटिविटी आती हो। ओके ग्रेट. सो लाइक आपने सीएमए कोर्स में जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी आपने दिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स थे जो आपसे हो रहे थे और आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे थे. तो आखिर क्या क्या ऐसे मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए जब वो सीएमए कोर्स को कर रहे हैं, जिससे वो वन शॉट भी वो क्लियर कर सकते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो गो थ्रू प्रॉपर सिलेबस, वॉट एवर हमारा सिलेबस है सिर्फ उसी को गो थ्रू करो, सारे सॉल्यूशंस उसके बनाओ, डीपली स्टडी उसके करो। हम लोग थोड़ा सा किसी और के भी सिलेबस कर लेते हैं या फिर थोड़ा और अलग से पढ़ाई कर लेते हैं, ये सारी चीज़ों के बेसिस में अपने सिलेबस पे पूरा फोकस नहीं कर पाते। और मुझे इश्यूज इसलिए आए क्योंकि सीरियसली मैं नॉन नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड की हूँ, तो मुझे प्रॉपरली थोड़े बहुत इश्यूज आते रहे कि ठीक है ये समझने में मुझे टाइम लग रहा है। और इनिशियल स्टेज में ना हमें कोई ये नहीं बताता था कि अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं, तो हम ना डायरेक्टली जाके बैठ गए थे, मतलब कुछ आता नहीं है तो भी इनिशियल स्टेज में, जब भी हम इंटर में थे। फिर धीरे धीरे पता चला नहीं, अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं, तो जब तक वो पता चला तब तक अटेम्प्ट्स तो लग चुके थे। अदरवाइज मेरा यही है कि आप पहले अपने सिलेबस को गो थ्रू करो 100%, एटलीस्ट 4 टाइम्स उसका रिविजन होना चाहिए, फिर आपका सीएमए वन शॉट में हो जाएगा। या राइट. कोई नहीं, लाइफ में कुछ चीज़ें होती है जो ठोकर लगने के बाद पता चलती है. बिना ठोकर लगे हर चीज़ हम नहीं सीख सकते हैं. लाइक जैसे अगर आप कार ड्राइविंग, बाइक ड्राइविंग, अब जब आप सीखने जाओ तो आपको पहले चलाना पड़ेगा, उसको पहले से आप नहीं सीख सकते. तो सीएमए जर्नी भी ऐसी है. हमें भी अपने टाइम में नहीं पता था कि अटेम्प्ट्स कैसे काउंट होते हैं, क्या होता है. हम भी बस जाते थे, यार पेपर फॉर्म दो, फॉर्म फिल करो या ना करो, अटेम्प्ट्स काउंट हो जाएंगे, तो हम लोग पेपर देने चले जाते थे. तो ये थॉट प्रोसेस था उस टाइम का. कोई नहीं, अभी तो एट द एंड सब कुछ सेटल्ड है एक तरीके से, बस आपको फ्यूचर के लिए वर्क करना है. अच्छा एक क्वेश्चन और भी है, लाइक जैसे कि आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस आपने किया था और फिर आप सीएमए कोर्स में आए, तो लाइक एक न्यू जर्नी थी कहीं ना कहीं. आपने कुछ और माइंडसेट किया होगा क्लास 12th के बाद, जिसके थ्रू आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया और फिर आप सीएमए के साइड आप मूव ऑन हुए, तो ऐसा क्या था जो आपको सीएमए के लिए अट्रैक्ट किया?
डायरेक्टली सर ग्रेजुएशन के बाद इंसान मतलब एज अ स्टूडेंट यही सोचते हैं कि हमें यूपीएससी देना है या पीएससी देना है, गवर्नमेंट जॉब ट्राई करना। मेरा भी वही पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने एसएससी का तैयारी भी किया और फिर जब मैंने उसके कट ऑफ में गए और देखा कि जनरल का वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा हाल नहीं है, तो फिर मेरे बड़ेपा ने मुझे बताया कि सीएमए बहुत अच्छा कोर्स है और इसको कर लेने के बाद में आपका जॉब और आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर हो जाता है। तो फिर मैंने तब से सोच लिया था, बट तब मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में थी, इसलिए मैं ग्रेजुएशन खत्म हो के फिर इंटर में ही डायरेक्टली आई हूँ 2018 के बाद। तो स्टार्टिंग में लाइक जैसे आप बिल्कुल कंप्लीटली नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के आप स्टूडेंट थे, आपका 11th 12th में भी मैथ रहा होगा, राइट? राइट तो आप जब आप सीएमए में आई तो आपको आई थिंक कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या चीजें हैं, कैसे पढ़नी है, तो आपने कैसे स्टार्ट किया? क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आता है। इवन मेरा एक फ्रेंड भी था, मेरा रूममेट था, जिसने मेरे साथ अपनी सीएमए जर्नी स्टार्ट की थी, उसका 11th 12th में मैथ था, तो उसको काफी प्रॉब्लम्स आते थे वो डेबिट क्रेडिट समझने में। तो क्या आपको भी ऐसे कुछ चैलेंजेस आते थे? बहुत बहुत ज्यादा सर, डेबिट क्रेडिट का तो इतना इश्यूज रहा है कि मैं नहीं बता सकती। लेकिन जब मैं कोचिंग गई थी तो फिर मैं 11th 12th का जो अकाउंट्स पार्ट है उसके अलग से क्लासेस थी, ताकि मेरे को उससे थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाऊं कि हाँ ये ऐसा होता है ये ऐसा होता है। अदरवाइज सीरियसली इनिशियल स्टेज में इश्यूज तो आए हैं जो नॉर्मल सीएमए कॉमर्स फील्ड के, उनसे ज्यादा इश्यूज आते हैं जो मैथ्स फील्ड के बाद में इसमें ज्वाइन करते हैं, डेफिनेटली आते हैं। बट की तो यही है कि अगर आप ट्राई ट्राई करते जाएंगे और अच्छे से एफर्ट्स देते जाएंगे तो क्लियर तो होना ही, तो टाइम लगा बट हो गया। तो जब आप सीएमए कोर्स आपने स्टार्ट किया, तो ऐसी कौन सी सब्जेक्ट थी जो आपको सबसे अच्छी लगी पूरे सीएमए कोर्स में? वैसे तो सर मुझे सारे अच्छे लगे, अगर आप पूछेंगे अच्छे क्या नहीं लगे तो सर यही है कि मुझे अकाउंट्स थोड़ा सा टफ लगा, अदरवाइज बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट्स मेरे लिए सब कुछ अच्छे थे। कॉस्टिंग, डीटी, आईडीटी, एवरीथिंग, एसकेएम, बीवी, सब बहुत अच्छे लगे मुझे सब्जेक्ट्स। एंड आपने अपनी ट्रेनिंग फॉर्म से की थी, राइट? जैसे मुझे कुछ आइडिया है। हाँ, राइट सर, मैंने फर्म से की थी, 6 मंथ का था तब हमारा, तो मैंने 6 मंथ का अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया था और ड्यूरिंग उसी पीरियड में मैं अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू करती थी। वो टाइम पे थोड़ा सा आपको पढ़ना और अपने ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हुए करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट मैनेजेबल करना पड़ता है। अच्छा, आपने पूरे सीएमए में आपने इंटर फाइनल बोथ ग्रुप दिया था या फिर आपने सिंगल सिंगल ग्रुप दिया था? इंटर टाइम पे तो मैंने सिंगल सिंगल दिया था, लेकिन जब फाइनल पे आए तो हर एक के स्टूडेंट्स का एक सपना रहता है कि एक बार बोथ दे के देखते हैं, तो मैंने भी फाइनल पे फर्स्ट टाइम ट्राई किया और मेरा बोथ देने के बाद दोनों ही क्लियर हुआ। फिर उसके बाद मैंने पहली बार में ग्रुप 4 दिया, वो क्लियर हो गया, और फिर ग्रुप 3 दिया, फेल हो गई, फिर लास्ट टाइम ग्रुप 3 दी तो क्लियर हुआ। दैट मीन्स मेरे इंटर में टोटल 4 अटेम्प्ट्स लगे और फाइनल में टोटल 5 अटेम्प्ट्स, क्योंकि मैंने बोथ ग्रुप्स दे दिए। बोथ ग्रुप्स जनरली उन्हें देना चाहिए जो दोनों ग्रुप्स को बहुत अच्छे से एटलीस्ट 4 टाइम्स प्रिपेयर कर लिए रहते हैं। ये सपना मेरा भी था जब मैं फाइनल में आया था कि मुझे बोथ ग्रुप देना है, एक बार तो ट्राई करना है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा लक भी मेरे साथ अच्छा था और मेरे 422 आए थे, लेकिन हाँ एसएफएम में 33 आया था, तो ग्रुप 4 तो मेरा हो गया था क्लियर, क्योंकि ग्रुप 4 में 240 आया था, ग्रुप 3 मेरा रह गया था एसएफएम के कारण। तो ये मेरे सपना था दोनों जो थोड़ा सा साकार हुआ, थोड़ा सा नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ग्रुप 3 क्लियर हुआ एसएफएम। तो लाइक आप अपनी जर्नी से आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे एट द एंड, लाइक कुछ टिप्स, कुछ सजेशंस? सजेशन यही है कि सिर्फ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और जो हम लोगों का इंस्टीट्यूट प्रिपेयर करता है मैट, उसको गो थ्रू करो, स्कैनर गो थ्रू करो। अगर आप डीप स्टडी उसी में ही देते हैं तो आपका CMA 1 अटेम्प्ट में होगा, और अगर आप कंफर्म नहीं है कि मैं इस अटेम्प्ट में मीन्स मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट हुआ है, मेरे बेसिस में सेल्फ स्टडी हुआ है, तब तक आपको अटेम्प्ट नहीं कैलकुलेट करवाना चाहिए, क्योंकि वो मैटर करता है आपके जॉब में, वो डेफिनेटली मैटर करता है। ठीक है, हो जाता है वो अलग बात है, मतलब जॉब हो जाता है, लेकिन अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करेगा तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा अच्छा, एक स्टूडेंट्स के क्वेश्चन लिए। और भी मेरे मेरे पास आपके लिए, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट्स जैसे क्लास 11 12th जब बच्चे कर रहे हैं अभी, उनका मैसेज आता है कि सर मुझे लोग ऐसा बता रहे हैं कि सीएमए कोर्स लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि उनको फैक्ट्रीज में जॉब करनी पड़ती है। तो लाइक आप एसेंचर में हो और आपने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखा भी है, तो क्या आपको लगता है सीएमए कोर्स एक फीमेल स्टूडेंट्स के लिए सेफ है और उनको करना चाहिए? डेफिनेटली सेफ है, ये एक व्हाइट कॉलर जॉब देता है पहली बात, और लड़कियों के लिए
प्रॉपरली सेफ है। मतलब मैं मुंबई में रह रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम अपने घर से बाहर निकली हूँ, लेकिन ये चीज़ है कि यहाँ पे सेफ्टी बहुत अच्छी है, और आपके जो कलीग्स लोग भी रहते हैं ना, वो लोग भी आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा आप CMA है करके। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है कि लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ है। बेस्ट, अगर बेस्ट जॉब कोई प्रोवाइड करता है लड़कियों के लिए, तो आई थिंक वो CMA, मतलब CMA पढ़ के आप जॉब करें वो ज़्यादा बेटर है। ओके, थैंक्स संगीता, आपने अपनी जर्नी शेयर की, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा एट द एंड कि आप CMA कोर्स को आप प्रमोट करो अपने फैमिली में और अवेयरनेस क्रिएट करो, और आई थिंक आपको करना चाहिए, क्या आपको लगता है? डेफिनेटली सर, मेरे कजिन को मैं पहले ही बोल के रखी हूँ, वो अभी CMA का आज ही उसका फाउंडेशन का एग्जाम था, वो ओके बिल्कुल ग्रेट, कर। तो हमें अपने प्रोफेशन को और आगे लेके जाना है। ऑल द बेस्ट।